इन्होंने गोल्ड तो जीत लिया, लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट इनके लिए तब था जब इन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने इनके सीनियर योगेश्वर दत्त आए। ये हुई ना बात, ये देखिए। एयरपोर्ट पहुंचने पर लोगों को कैब लेकर घर पहुंचने की जल्दी होती है, लेकिन बजरंग पूनिया को ऐसी कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उनका स्वागत करने आधा गुरुग्राम आया हुआ था। आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली पर गोल्ड कोस्ट से पदक जीतकर लौटे पहलवान बजरंग पूनिया का स्वागत किया गया। बजरंग के स्वागत में गुरुग्राम से बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर लौटे बजरंग के स्वागत में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त भी पहुंचे। इस मौके पर योगेश्वर दत्त ने कहा कि बजरंग आगामी एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक के मजबूत दावेदार हैं और उनकी दावेदारी को मजबूत कराने के लिए बेहतर तैयारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत के इस पहलवान ने हर मंच पर पदक दिए हैं और गोल्ड कोस्ट में उन्होंने जिस तरह से मुकाबले किए हैं उसे देखकर मैं कह सकता हूं कि बजरंग अब आने वाले बड़े मुकाबलों में पदक देने के लिए तैयार है। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी परसराम ने कहा कि बजरंग ने प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। गोल्ड कोस्ट पदक विजेता बजरंग पूनिया ने कहा, मैं देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे गुरु समान ओलंपिक पदक विजेता बड़े भाई योगेश्वर दत्त एयरपोर्ट पर मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे।